वेलकम स्टूडेंट्स मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सॉल्व किया था क्यू वन क्यू थ्री एंड कोइफिशेंट ऑफ क्यूडी उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सो so ये क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूछे थे हाउ टू सॉल्व इट ये भी मैंने बताया था उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यू कैन चेक एंड फॉलो द स्टेप्स टू फाइंड आउट आई क्यू आर क्यू डी एंड क्विशेंट ऑफ क्यू डी सो लेट मी गिव यू द सोलूशन फॉर दिस थ्री क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप्स आई होप यू हैव सॉल्व इट नाउ चेकिंग फॉर द सोल्यूशन पहले क्या करते हैं यू शुड प्रिपेयर द टेबल फर्स्ट row as it is, second row as it is, then we prepare cumulative frequency column, find the value of n by 4, n by 4 is 14, so uska next number is 30 in CF column, so respective class interval that is 150 to 160 is your Q1 class. Similarly, if you find out 3n by 4, that is the value is 42,

तो वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करो अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर Q1 वन इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर सिमिलरली बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, ओनली द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ n बाय फोर यू हैव थ्री एन बाय फोर बस उतना ही डिफरेंस है अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यूज फॉर Q3. Q1, Q3 फाइंड करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करो आई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन सो पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर ऑल दिस स्टेप्स आर एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो तो आई सजेस्ट यू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो टू गेट द सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है तो ये तीन फॉर्मूला याद रखे यू विल इजीली गेट द आंसर एज 0.05 डोंट फॉरगेट दिस आंसर शुड ऑलवेज बी जीरो समथिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वंस अगेन प्रीपेयर द टेबल फर्स्ट सेकेंड रो कॉपी पेस्ट एज इट इज प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एन बाय फोर का वैल्यू क्या है फिफ्टी देर फोर क्यू वन क्लास इज वन थाउजेंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ थ्री एन बाय फोर वन फिफ्टी सो देअर फोर क्यू थ्री क्लास इज वन थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड अप्लाई द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू थ्री मिलेगा आपको अप्लाई द फॉर्मूला फॉर आई क्यू आर फाइंड आउट आई क्यू आर क्वार डेविएशन स्टेप बाय स्टेप्स दिस वीडियो इज मेड जस्ट टू शो यू द सॉल्यूशन ओके इसके ऑल स्टेप्स मैंने कहा पे एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस वीडियो में यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जीरो पॉइंट थर्टीन इज द आंसर एंड द फाइनल क्वेश्चन जीरो टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू हंड्रेड सी हिस्सा क्लास इंटरवल यू कैन चेक विच इज नॉट इक्वल सो डोट वरी फॉलो द सेम प्रोसीजर एज अर्लियर यू विल गेट द आंस एन बाय फोर का वैल्यू फोर्टी एट पॉइंट टू फाइव है उसका नेक्स्ट वैल्यू चेक करो दैट इज सेवेंटी नाइन सो रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज क्यू वन क्लास थ्री एन बाई फोर का वैल्यू है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू चेक करो सी एफ में वैल्यूज ऑफ एफ एंड सी एफ फॉर क्यू वन क्लास एंड क्यू थ्री क्लास एंड यू विल गेट द आंसर क्यू वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट वन सेंटीमीटर क्यू थ्री इज इक्वल टू फोर्टी एट पॉइंट नाइन सेंटीमीटर अप्लाई द फॉर्मूला Get the answer immediately. Coefficient of quartile deviation is equal to 0 0.38. So this is the solution of all questions. Thank you all of you. Don't forget to like and subscribe this channel. So we'll meet soon. Bye bye. bhi doubt ho to comment me if you want any of the other solution then also write down me. In comment box once again. Thank you, all of you. Bye.